जय हिंद गाइस, वेलकम बैक ऑन यो हंगर। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं शहर की एक नई, कहूँ या कुछ पुरानी जगह, एक नए कलेवर में आपके सामने वाले आने वाली है उस जगह को लेके। तो फिलहाल मैं हूँ रेडिसन ब्लू होटल के अंदर और यहाँ का एक कैफ़े है जिसका नाम है कोफे। आप अगर वीडियोस हमारी देखते हैं निरंतर तो आपने वीडियो देखी होगी, रेडिसन ब्लू की एक सीरीज़ आई थी वीडियोज़ की जिसमें हमने कोफे कैफ़े को दिखाया था आपको। लेकिन इस कोफे कैफ़े में कुछ बदलाव हुए और बदलाव हैं ऐसे जो कि आपके कुछ पुराने प्रेजुडिसेस को तोड़ के रख देंगे। तो चीज़ें हैं क्या, कुछ मेन्यू में चेंज हुई हैं, कुछ प्राइसेस में तब्दीली हुई है, चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, आइए चल के देखते हैं कोफे में। कमा ओके, तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये हमारा पूरा कोफे कैफे फ्रॉम रेडिसन ब्लू होटल। ओवरऑल एम्बियंस देखें तो आप बहुत ही अच्छी सी सूथिंग सी जगह है, बहुत ही साफ़ सुथरी, एकदम क्लीन। ऑब्वियसली जहाँ पे रेडिसन ब्लू का नाम लग जाएगा तो ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड होती हैं ना कि थोड़ा सा कॉरपोरेट होगा, थोड़ा सा लेज़र होगा, हाइजीन होगा, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं सोचने के लिए। बेसिकली मैं डिज़ाइनिंग दिखाऊँ यहाँ की तो आप देखें सामने की ओर मेरे काउंटर है और यहाँ पे छोटे छोटे सोफ़ाज़ लगे हुए हैं टेबल्स के साथ, किनारे दो तीन सोफ़ा जिसमें दो लोगों के बैठने की जगह है फॉर डेट्स एंड ऑल या मीटिंग्स एंड ऑल, फिर चार लोगों के बैठने की जगह है और उस साइड में काउचेस भी लगे हुए हैं सोफ़ा के साथ। तो अगर आपकी थोड़ी बड़ी गैदरिंग है देन टू आप बहुत आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। लगभग 32 से 34 लोगों की बैठने की जगह है यहाँ पे, तो बैठने की जगह का ये हिसाब रहा। मैं ये सामने का एरिया दिखाऊँ तो यहाँ पे काउंटर्स लगे हैं मेरे पीछे। इन शॉर्ट मैं आपको इस जगह के बारे में एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो ये कोफे कैफे एंड बेकरी है। मतलब आपको थोड़े से स्नैक्स, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ के बेकरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो सामने मेरे जो काउंटर, ये बेसिकली इनके बेकरी के लिए काउंटर है। बहुत अच्छी सी चीज़ केक्स देखने को आपको मिलेंगे, प्लम केक, चीज़ केक, मफिन्स एंड वॉट नॉट। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, खूबसूरत हैं और टेस्ट हमने पहले किया है, बहुत अच्छी हैं। तो ये रही ओवरऑल एम्बियंस की बात। इसके साथ साथ हम इस जगह की प्राइसेस रिवील करेंगे एंड ट्रस्ट मी विद वन थिंग, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर हियरिंग थिंग्स आउट। मतलब शहर में आप नॉर्मली जिन जगहों पर जाते हैं ना उनसे भी सस्ती कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर दिलाऊंगा आपको। खैर एक बात बताओ, हमारे साथ ब्लॉगर्स हैं हमारे जो कि यहाँ की प्राइसेस गेस करेंगे बेसिकली कि कौन सी चीज़ किस प्राइस पर मिल रही है। और मैं कह रहा था ना कि प्रेजुडिस तोड़ेंगे हम आज कोफे के बारे में, रेडिसन ब्लू के बारे में, तो पहले उनसे प्राइसेस ही गेस कराएंगे। बताइएगा नहीं किसी को, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि यहाँ की चीजें जो है वो किस रेट पे मिल रही हैं। दे विल गेस थिंग्स आउट एंड फिर हम उनको एक्चुअल प्राइसेस रिवील करेंगे। सो लेट्स गो स्टार्ट द थिंग। ओके, सो ऑन द जर्नी ऑफ टेस्टिंग थिंग्स आउट हमारा साथ निभाएंगे हमारे फेलो फूड ब्लॉगर्स। हेलो, यहाँ पे हमारा सच चुका है दस्तरखान या यू कहें कि ब्लॉगर्स टेबल। हमारे साथ है हमारे ब्लॉगर्स जो कि टेस्ट करेंगे इन सारे डिशेस को, देखेंगे, चखेंगे, ढकेंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद इसका प्राइसेस किस करेंगे, देखते हैं क्या क्या गेसेस आते हैं लोगों की। और प्रेजुडिस वाली बात कही थी याद है ना, उस चीज को दिमाग में रखना। सो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट डिश एंड विद द फर्स्ट ब्लॉगर दैट दिस इज स्टफ। सो आई विल गेस द टेस्ट ऑफ द कॉफी डिलाइट शेक। अच्छा, 249.79। ओके, तो ये कॉफी डिलाइट शेक के लिए इनका गेस है 249 रुपए से लेके 279, 249 टू 279 रुपए। थैंक यू सो मच। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फर्म फूडी। सो आई विल गेस द प्राइस ऑफ दिस थिन क्रस्ट रोस्टेड वेजी पिज्जा। क्या नाम है? थिन क्रस्ट रोस्टेड वेजी पिज्जा। ओके, काफी लंबा। हाँ, काफी लंबा है और ये काफी अच्छा भी लग रहा है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग 300 प्लस लाइक 325 और 350। अच्छा, 300 के हिसाब से थोड़ा छोटा नहीं है, जस्टिफाई कर रही है? छोटा है बट पता है इसमें चीज फुल अच्छा, और थिन क्रस्ट पिज्जा नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं होता है प्लस रेडिशन पे हम बैठे हैं। और बेसिकली सब लोग यूज करते हैं वो ब्रेड वाला क्रस्ट जो थोड़ा थिक होता है, पर ये थिन क्रस्ट है इसलिए मैंने इसकी प्राइसिंग 300 के आसपास। थैंक यू।
मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ब्लॉगर बी व्लॉगर बी $249 to $200 के बीच में। एक चीज मैं बताऊँ, सिनेमन रोल थोड़ा रेयर है तो इसलिए भी हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ 150 to 200 के बीच में। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव The Hungry 98 Kid Diary. So हम बैठे हैं रेडिसन में, तो अप्रोक्स कॉफी हम किसी भी अच्छी जगह टेस्ट करें तो आई थिंक 150 से नीचे कोई नहीं होता, लेकिन मैं इसका 150 रुपया दूंगा। इतना 149 150 रुपया देंगे। ओके, तो ये बाबूराव का स्टाइल है। हियर वी गॉट गेस्ट फॉर दिस स्टाइल 150। ऑब्वियसली मुझे लगता है जनरली किसी भी कैफे में जाए अगर गोरखपुर के, तो कुकीज के साथ अगर कॉफी मिले तो 150 के आसपास तो नॉर्मल सी बात है। So now moving forward, we have freaky foods with us. So sir, my price gift is chicken nuggets. So पहले nuggets दिखा दीजिए। Almost मुझे लग रहा है कि 8 से 10 pieces nuggets हैं इसमें। I think इसका price 149 होगा। Okay, तो 149 के आसपास, 150 के आसपास price guess किया। In general मैं बताऊँ, अगर आप चिकन चिंग्स की बात करें तो वहाँ भी चिकन नगेट्स का प्राइस 5 to 6 पीस का अप्रोक्स लगभग 150 या उसके आसपास रहता है, तो वो प्राइस इन्होंने गेस की है। बाकी मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विद अस फोटो राइट्स। सो आई विल गेस ब्लूबेरी चीज केक और ये 130 to 150 होगा। ओके, तो अभी ये इन्होंने ब्लूबेरी चीज केक बेसिकली पेस्ट्री लिया पोर्शन उसका। तो एक चीज मैं बताऊँ, चीज केक बड़ी कम जगहों पे मिलता है गोरखपुर में। रेडिसन ब्लू में कोफे आपको ये ऑफर कर रहा है और प्राइस का गेस इनका अप्रोक्स 139 to 140 रुपए, मतलब 150 के आसपास का। तो ये सारी डिशेज आपने देखी, इन्होंने ट्राई किया। यहाँ पे मैं बताऊँ तो ग्रिल सैंडविच भी है, दिखाओ। बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन है इसकी, एक बार देखिए। और ऑब्वियसली फ्राइज के साथ सर्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हाइप मानेंगे हम इसका। थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी तो आज मुझे भी मिलनी चाहिए यार खाने की। तो आई टेस्ट दिस थिंग आउट एंड फिर मैं गेस करता हूँ कि क्या प्राइस। ओके, डिसेंट ग्रिल्ड सैंडविच ऑब्वियसली। नॉर्मल कैफेज की बात करें ना, जनरल जो कैफेज गो टू कैफेज है अभी गोरखपुर के अंदर आप ये देख रहे हैं, तो ऐसी ग्रिल्ड सैंडविच की जो प्राइसेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास वैरी करती है। जहाँ प्रॉपर सिटिंग स्पेस है, थोड़ी बैठने की अच्छी जगह है ऐसी, और उसके साथ साथ अगर रेडिसन का नाम लगा रहे तो मुझे लग रहा है मैं थोड़ी लोअर साइड पे ही गेस कर रहा हूँ, 150 to 170 के बीच में कुछ प्राइस होगी। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम ओरिजिनली प्राइसेस को जाने कि इस जगह की ये सारी चीज़ों की प्राइसेस हैं। ओके, तो इन सारी चीजों के साथ एक चीज हमने मिस कर दी थी गेसिंग के लिए। हम बैठे हैं रेडिसन ब्लू के अंदर, कोफे कैफे है और ये है यहाँ का केक। तो आधे पाउंड का केक, क्या मान ले एवरेजली आधे किलो का केक है। गेस करवाते हैं सबसे, इंजीनियर बताओ क्या प्राइस है। ओके, तो जो गेसेस आए हैं मेरे हिसाब से भी 450 से 500 के बीच उसकी प्राइस होगी। आपकी प्रेडिक्शन 249 to 279 फिलहाल मैम यहीं पे आने वाली है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे फोन फूडी ने ट्राई किया था ये थिन क्रस्ट पिज्जा, तो शी गेट्स द प्राइस अप्रोक्सीमेटली फॉर 300 रुपीज। अभी मैं बताऊँ इसका हिसाब ये है कि 599 रुपए में आपको ऐसे ऐसे दो पिज्जा अलोंग विद टू कोक्स या दो कॉफी के साथ मिलेंगे। तो इन जनरल मैं बताऊं, अगर इस पिज्जा का हम कॉस्ट निकालेंगे सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 149 रुपीज।
just half to that what you missed. Again. Hi, उन्होंने 149 रुपए से 200 रुपए तक किया था. यस एंड मैं ये बताऊं कि आपको ये एक सिनेमन कस्टर्ड रोल सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए के ऊपर दे रहा है. 49 रुपए में आपको ये सिनेमन कस्टर्ड रोल कोफे कैफे में रेडिसन के अंदर मिलेगा. क्या चाहिए? और तो मूविंग फ्रॉम फॉरवर्ड फ्रॉम हर we had the hungry 98 kid diary. चम्मच जो मिलेगी भैया खा सकते हो तुम. ठीक है, डिप भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं. ही टू द प्राइस की 150 होगा एंड अप्रोक्सीमेटली हर जगह 150 ही प्राइस है. बट मैं ये बताऊं कि जो कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी की प्राइस कोफे में इस कुकी के साथ और इस खाने वाले चम्मच के साथ 99 रुपये. मैं रोज आएगा इधर तो पता है हमें 99 इतना बढ़िया कॉफी मिलेगा लॉजिस्टिक्स खाने के साथ. और क्या चाहिए मुझे? सही बात है, मतलब इसको कहते हैं कि और हमारे पास टीवी है जो नहीं मिलती कहीं, तो 99 में इट इज वेरी गुड डील. एग्जैक्टली. सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैड आवर सलमान भाई विद अस. इनका रिंगटोन मैं बताऊं तो भैया स्वैग से करेंगे क्या? स्वैग से सोलो, मतलब हिंट समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो मूविंग फॉरवर्ड भाई ने क्या खाया था? चिकन नगेट. चिकन नगेट मैं आपको प्लेट दिखाऊं तो आधी से ज्यादा ये खा चुके हैं. ठीक है, टेस्ट करने में सिर्फ द प्राइस ही गेस वाज 149 to 169. ओके, सो 149 to 169 का हायर सर्किट का प्राइस अगर ले तो 169 रुपए था. बट इनके लोअर सर्किट के प्राइस पे आगे इसकी प्राइस क्लैश हो रही है और 149 रुपए में आपको यहाँ का चिकन नगेट्स. हाँ भैया, और स्वैग से सोलो याद रखना. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विद अस फोटो राइस. एंड उन्होंने क्या खाया था? ब्लू बेरी चीज केक. अच्छा, तो चीज केक की प्राइस दैट शी गेस वाज 130 to 150. एक चीज मैं बताऊंगी भैया, रेयर है चीज केक, कम जगहों पे. अक्सर यहाँ के कैफेज बेकरीज लिखती है कि हाँ उनके पास चीज केक है, बट आप जाओगे तो नहीं मिलता है. अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है हमारा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा भी. और प्राइस इन्होंने 130 टू 150 के बीच में गेस किया है, बट इसकी प्राइस सिर्फ 99 रुपए, 99 रुपीज. ओके, सो अगर बाकी चीजों का अगर मैं गेस करूँ, प्राइस गेस तो कर दिया, बाकी चीजों की रिवील करूँ, तो सबसे शॉकिंग बात मैं बताऊँ क्या है. ये बीच में पड़ा हुआ केक देख रहे हो, दैट केक, वो केक आपको 250 रुपए में मिल सकता है कोफे के अंदर. 250 only. बट इसके साथ एक छोटा सा क्लच है, खाने के अलावा थोड़ा और देखो भाई, 250 रुपए में केक मिल रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा है. बर्थडे के लिए पैक होगा इनके. अच्छा, बाय द वे इनका बर्थडे पड़े, कोई बात नहीं. 250 रुपए में आपको ये केक कोफे कैफे में, कोफे कैफे एंड बेकरी इनसाइड रेडिसन ब्लू होटल. क्लच छोटा सा बस ये है कि शाम को 8 से 9 बजे के बीच में, रात में अगर आप रेडिसन ब्लू में आते हैं कोफे से आगे केक्स लेते हैं, क्योंकि वो सामने वाली काउंटर में लगे हुए रहे. फिर से ध्यान से सुनिए इस शब्द को, ऐसा मत कहना बाद में बताया नहीं. इस सामने वाले काउंटर में लगे हुए जो भी केक्स और पेस्ट्रीज रहेंगे, इंक्लूडिंग दैट चीज केक जो कि 99 रुपए में था, वो आप 50 रुपए में पा सकते हो. और जो इनकी पेस्ट्रीज लगी हैं 440, हाँ केक्स लगे हैं 449, 500 के, ये सारे आपको फ्लैट 50% ऑफ पे, दैट इज 250 रुपए में या 230 रुपए में. तो मुझे नहीं लगता है, मतलब हम इस जगह को कंपेयर करने आए थे नॉर्मल प्लेसेस के साथ. मतलब अगर आप किसी 4-star, 5-star प्रॉपर्टी के कैफे में जाते हो, तो वहां से ऑब्वियसली आपको एक्सपेक्टेड होता है प्राइसेस ज्यादा होंगी नॉर्मल कैफे में. कोफे में आके पता चला भाई उनकी प्राइस
प्राइसेस तो छोड़ो, उनकी प्राइसेस को भी बीट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उससे मुझे आज की डेट में एक भी ऐसी जगह नहीं पता है जहाँ पे आपको एक पाउंड का केक 229 रुपए में मिल सके, बट एडिशनल में आपको ये मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑफर करने को, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे प्राइसेस इनकी दोबारा से सेट हुई है, नए डिशेस ऐड हुए हैं। मुझे लगता है अगर आपको एक नॉर्मल मीटिंग करनी हो, डेट पे आना हो, वैलेंटाइन आ रहा है, सब याद रखना, तो केक बेकरी और कॉफी वॉफी तो समझ रहे हो ना। तो अगर इन सारी जगहों के लिए आप चीज़ों के लिए अगर आप किसी जगह को खोज रहे हैं तो आई थिंक सो दिस इज टाइम व्हेन यू शुड विजिट कॉफी कैफे फ्रॉम रेडिसन ब्लू। रेडिसन का नाम रहेगा पीछे, यहाँ का बहुत बढ़िया सा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस रहेगा, और उसके साथ साथ लाजवाब डिशेस, वो भी आपके बजट। Okay, so guys, that was all from Coffee Cafe of Radisson View Hotel. उम्मीद है आपके बहुत सारे पूर्वानुमान के जो डिशेस टूटे होंगे इस वीडियो के बाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम आपको Coffee Cafe में बैठा हुआ देख पाएंगे। अब किसके साथ आप बैठते हैं ये तो उड़ता आपके ऊपर है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @foodcraving.in, इन सभी को फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, इनके पेजेस के हैंडल नीचे दे दिए जाएंगे, कैमरा के पीछे मेरे साथ है गोरखपुर फूड्स। मिलते हैं नई व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।